हेलो, कैसे हैं आप लोग? और आज मैंने डाली है नींबू का अचार। और नींबू का अचार जब मैं डाल रही थी तो समझ लीजिए किचन में खुशबू फैल गई थी, क्योंकि काला नमक और नींबू का तो साथ है ही है, और ऊपर से अजवाइन डाल दी थी। तो आप भी इस तरीके से डाल के देखिएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं मार्केट से क्या लाई है वो आपको दिखाया है, और आज मैंने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मैं 3 बजे तो सेंटर से आई थी, 2:30 बजे, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। और मैं अब जाऊँगी बाहर, आप देखना, आपको पता चल जाएगा आने वाली वीडियो में मैं कहाँ जाऊँगी, किसके यहाँ जाऊँगी और क्यों जाऊँगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको। आइए देखिए नींबू के अचार की रेसिपी। आइए मिलते हैं नींबू के अचार की रेसिपी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। गुड आफ्टरनून। और अब बना रही हूँ आज वीडियो में दोपहर से, ये बज रहे हैं, मैं सेंटर से आई तो 2:30 बज रहे थे। और ये नींबू सामान लेके आई थी मैं बाज़ार से, मार्केट गई थी कटरे, तो कटरे से सामान भी लेती हुई आई, सब्जी लेती हुई आई। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी क्या क्या लाई हूँ। तो ये नींबू धो के मैंने रख दिए थे, और ये मैं अच्छे साफ़ कपड़े से खूब रगड़ रगड़ के नींबू को पोंछ रही हूँ ताकि इनमें पानी बिल्कुल ना रह जाए। खूब रगड़ रगड़ के इन्हें साफ़ कर देना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रह जाए। ये अचार मुझे बहुत पसंद है, नींबू का खट्टा वाला, बिल्कुल मामूली सा मीठा हो, ज़्यादा नहीं, बस खट्टा वाला अचार मुझे ये पसंद है। तो मैं डाल रही हूँ, पहले बच्चों को, बच्चे नहीं खाते थे तो पहले नहीं डालते थे, ये भी मैं बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ अचार, और मुझे अच्छा लगता है। मैं पराठों से, दाल से, चावल से, मुझे नींबू का अचार बहुत पसंद है। पहले मैं खाती थी, बीच में छोड़ दिया, और ये डिब्बा मैंने ले लिया है। नींबू मैंने साफ़ कर लिए हैं और नींबू मैं काट लेती हूँ। एक नींबू के 4 पीस कर रही हूँ, आप 6 भी कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है। पहले मैं रहती थी एक जगह, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे तो वहाँ पे नींबू का अचार वो भी डालती थी, मैं भी डालती थी। आज मैंने बहुत सालों बाद नींबू का अचार डाला है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए पड़ता ही नहीं था। अब मैं अकेली हूँ तो मैंने कहा लाओ अचार डाल लेती हूँ। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अचार ख़त्म हो गया है, कोई अचार नहीं है। और मैं बाज़ार का अचार मैं यूज़ नहीं करती, मैंने कभी बाज़ार का अचार खाया नहीं है। कहीं किसी के यहाँ खाया भी है तो मुझे वो टेस्टी नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं नींबू का अचार डाल लेती हूँ। तो ये मैं इसके 4 4 पीस कर रही हूँ नींबू के, बस 250 ग्राम ही नींबू लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई, ख़त्म हो जाएगा दोबारा डाल लूँगी फिर, क्योंकि नींबू सही से जो है बरसात में आते हैं, और बरसात में हरी मिर्ची अच्छी आती हैं, तो उस टाइम आप डालिए तो सही रहता है। तो मेरे लिए ही अपने चल जाएगा, जब ख़त्म होने वाला होगा तो मैं फिर दोबारा फिर डाल लूँगी। तो नींबू कट गए हैं, क्योंकि 250 ग्राम नींबू लाई थी, उसमें से भी एक नींबू मैंने रोक लिया था कि सलाद वगैरह में आप डाल लो, प्याज वगैरह में, जैसे दाल चावल बनाओ तो नींबू की प्याज अच्छी लगती है। मैं चली गई हूँ काला नमक लेने के लिए, तो मैं काला नमक का डिब्बा ले आई हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं काला नमक। इसमें 50-50 पड़ता है, 50% काला नमक, 50% सफ़ेद नमक। तो अब काले नमक में गुड़ियाँ पड़ गई हैं तो वो मैं सही कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा 50% काला नमक डाल दिया है, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, और इसमें 50% ही सफ़ेद नमक पड़ेगा। सफ़ेद नमक इसमें डाल दिया है मैंने, और सफ़ेद नमक डाल के, और इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी अचार होता है ये। इस तरीके से आप डाल के देखना, बहुत टेस्टी लगेगा। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन, ऊपर से थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी, और बस अजवाइन डाल के, और इसे मैं तैयार हो गया अचार आपका, इसे हिला दूँगी, और बस हिला के इसे अच्छे से हिला दो ताकि ये सब एक दूसरे में नमक और अजवाइन मिल जाए। और ये मिला के, और बस मुझे इसे किस नहीं करना, अब इसे मुझे 2 दिन धूप में रखना है। थोड़ा कम लगा मुझे तो ऊपर से मैंने और डाल दिया है, तो 2-3 दिन धूप में रखना है, और आपका अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो आप, बहुत टेस्टी लगती है हरी मिर्च, लेकिन हरी मिर्च मैंने अभी डाली नहीं है। उसमें काले नमक में गुड़ियाँ पड़ गई हैं, गोल गोल, मतलब गुल्ली हो गई हैं, तो वो मैं हिला रही थी। तो चीनी मैंने ऐसे डाली है कि समझ लीजिए चुटकी, आपको चम्मच, ये मत सोचना भरी हुई चम्मच है, चम्मच भले बड़ी है लेकिन मैंने 3 चुटकी या 4 चुटकी चीनी, यानी कि 100-150 दाने, और मैं रखती हूँ धूप। और ये लाई हूँ मैं सब्ज़ी, जिसमें आलू लाई हूँ, प्याज लाई हूँ, और टमाटर लाई हूँ, हरी मिर्च, भिंडी, अरबी, घुइयाँ बोलते हैं जिसे, ये सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और ये आलू बहुत सुंदर मिले, चिप्सोना आलू बोलते हैं, ये चिप्सोना आलू था तो वो लेके आई हूँ। 2 किलो आलू मेरे लिए काफ़ी हैं। प्याज ले आई हूँ, और प्याज ला के बस
और आपके इस बार मैं टमाटर ना हाइब्रिड लाई हूँ, देसी टमाटर नहीं लाई क्योंकि मुझे है पथरी की प्रॉब्लम, तो देसी टमाटर में बीज बहुत होता है, हाइब्रिड टमाटर में इतना बीज नहीं होता, उसका बीज निकाल भी दो, तो हाइब्रिड ही लाई हूँ। तो और खट्टा भी होता है देसी टमाटर, थोड़ा ज़्यादा डाल लो तो खट्टे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये मैं भिंडी उठा के अलग कर रही हूँ और हरी मिर्च उठा के अलग कर रही हूँ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी हरी मिर्च के बिना तो अच्छी लगती नहीं है, आपको पता है लाल मिर्च हम बहुत कम खाते हैं। तो ये मैं कंडिया लेकर आ रही हूँ जिसमें टमाटर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। देखिए देसी टमाटर चार अभी बचे हुए हैं और ये मैं हाइब्रिड के टमाटर, इसमें ज़्यादा मैं लाई नहीं हूँ, और ये इसमें करके मैं फ्रिज में कंडिया में करके ये टमाटर मैं रख दूँगी। और अब मैं उठा रही हूँ इसमें से भिंडियाँ, और ये इस टोकरी में करके रखती हूँ मैं अरबी, अरबी अलग करके रख दूँगी तो कोई बस प्रॉब्लम नहीं है। और अब मेरी मनपसंद सब्जियाँ आने लगी, लौकी लाई हूँ मैं, एक छोटू सी लौकी लेके आई हूँ, लौकी मैंने रख दी है इसमें, अरबी करके रख देती हूँ, और बस भिंडी अलग करके रख दूँगी, हरी मिर्च अलग करके रख दूँगी।
हूँ।